ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। झमाझम बारिश से राजधानी में जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं रायपुर की जीवनदायिनी खारू नदी में भी खतरे के निशान के करीब बह रही है। लगातार हो रही बारिश से किसान भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। राजधानी रायपुर में मूसलाधार बारिश और आसमान में काली घटा छाए रहने से हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं। रात भर सावन की झड़ी लगे रहने और दिन में झमाझम बारिश होने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोग अपने रोजमर्रा के कार्य के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं भीषण बारिश से रेलवे स्टेशन के पास बना एक्सप्रेसवे का अंडरब्रिज, चंगोरा भाटा ओवरब्रिज का सर्विस रोड, कुशालपुर मार्ग, कबीर नगर सहित कई इलाकों में पानी भरने से आवाजाही प्रभावित हो रही है। ज्यादा पानी गिरने से खेतों में धान की रोपाई में हो रही देरी से किसान काफी परेशान है। किसानों का कहना है कि अगर यह बारिश 4-5 दिन के लिए नहीं रुकी तो रोपाई लगाने में काफी दिक्कतें होंगी, जिससे खेती किसानी में काफी नुकसान भी हो सकता है। अभी पानी 2-4 दिन बंद होती तो अच्छा रहती, घास रोपा हुआ हम लगाया ना चालू हो गए है। अब पानी के कारण थोड़ा अभी रुका थे, 2-4 दिन बंद हो जाते तो खराबी लग जाती, तेकर बाद गिरते तो फायदा रही थे। अभी जैसे पानी गिरते रही तो रोपा कहाँ, रोपा ही नहीं हो पा। अभी पानी के मौसम तो दिखा थे कि पानी छोड़े के नाम नहीं है। अभी लगातार हो गए, जब से सावन लगे तब के गिरना चालू छे। अभी बार नुकसान है, 2-4 दिन नहीं है करती धाम, 2-4 दिन पानी गिरती तब बने होती, अब अभी नुकसानी कर रहते है। लगातार पानी गिरा थे, लगातार सामान लगे थे, दिन एक दिन पानी नहीं छोड़े है, पूरा पानी गिरा थे। धान है संभल जही तब पानी गिर ही तो कोई नुकसान नहीं है, अब अभी धान न संभलना जरूरी है। वही मौसम विभाग ने प्रदेश में 3-4 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने और कई जगहों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।